हाय व्यूअर्स, दिस इज विवि दत्त फ्रॉम साउटेक लोगाई। आज का ये वीडियो में हम कंपेयर करेंगे हार्ड डिस्क वर्सेस एसएसडी, दोनों का स्पीड टेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैं हार्ड डिस्क के हिसाब से डब्ल्यू डी ब्लू का हार्ड डिस्क लिया हूँ और एसएसडी के हिसाब से सैमसंग 860 ईवीओ का एसएसडी लिया हूँ। तो ये दोनों एसएसडी एंड हार्ड डिस्क जो है उसका बूट टेस्ट करेंगे और एप्लीकेशन वगैरह भी रन करके देखेंगे कि एसएसडी हार्ड डिस्क के कंपेयर में कितना फास्ट चलता है। तो चलिए देखते हैं। अगर आप हमारा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो नीचे एक सब्सक्राइब का बटन है, वहाँ पे क्लिक कीजिए और हमारा चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और ये बिल्कुल फ्री है। और बाजू में एक बेल का आइकन है, वहाँ पे भी क्लिक कर दीजिए तो हमारा जो भी नया वीडियो आएगा आप तक तुरंत पहुँच जाएगा। तो यहाँ पे हम बूट टेस्ट कर रहे हैं, जैसे कि लेफ्ट साइड में हार्ड डिस्क है और राइट साइड में एसएसडी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कौन पहले बूट होता है और कौन लेट में बूट होता है। तो यहाँ पे देखिए जो एसएसडी है ये अभी बूट हो गया 13 सेकेंड में और जो हार्ड डिस्क से अभी भी प्रोसेसिंग हो रहा है। तो देखिए लगभग ये 30 सेकंड लिया बूट होने के लिए। तो अभी हम दोनों सिस्टम में एक एमएस वर्ड का फाइल जो है उसको ओपन कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कौन सा सिस्टम में पहले ओपन होता है, मींस हार्ड डिस्क में पहले ओपन होता है या एसएसडी में पहले ओपन होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों हार्ड डिस्क और एसएसडी दोनों में 26 सेकंड में एमएस वर्ड का जो फाइल है वो ओपन हो गया। तो अभी हम हमारा नेक्स्ट टेस्ट जो है वो करेंगे, जैसे कि मोजिला फायरफॉक्स में वेब ब्राउजर ओपन करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 3 सेकंड में एसएसडी और हार्ड डिस्क दोनों में ये ओपन हो गया। तो अभी हमारा नेक्स्ट टेस्ट जो है एडोब फोटोशॉप है। तो यहाँ पे हम दोनों में क्लिक किए, देखिए अभी एसएसडी जो है वो 5 सेकंड में ऑलरेडी ओपन हो चुका है और हार्ड डिस्क में ये अभी तक प्रोसेसिंग में है। तो यहाँ पे देखिए ये लगभग 33 सेकंड लिया ओपन होने के लिए हार्ड डिस्क में। तो अभी हम हमारा नेक्स्ट टेस्ट के तरफ बढ़ते हैं, जैसे कि गूगल क्रोम ब्राउजर जो है उसको ओपन करना है। जैसे कि 3 सेकंड के अंदर एसएसडी में वो ओपन हो गया और हार्ड डिस्क में ओपन होने के लिए ये 9 सेकंड लिया। तो नेक्स्ट टेस्ट अभी हम करेंगे वंडरशेयर का फिल्मोरा जो एप्लीकेशन है दोनों में ओपन करेंगे। तो देखिए एसएसडी में 5 सेकंड में ओपन हो गया और हार्ड डिस्क में अभी तक प्रोसेस चल रहा है, तो हार्ड डिस्क में ये 10 सेकंड लिया। तो यहाँ पे और एक टेस्ट हम करने वाले हैं, जैसे कि एक छोटा सा 25 सेकंड का एक फाइल को रेंडरिंग करके देखेंगे फिल्मोरा में। तो अभी देखिए टाइम स्टार्ट कर दिए, जैसे कि हार्ड डिस्क से ये डायरेक्ट रेंडरिंग हो रहा है और एसएसडी में जो रेंडरिंग हो रहा है, जैसे एसएसडी में फिल्मोरा इंस्टॉल हुआ है मगर जो फाइल है वो हार्ड डिस्क में है, तो इसीलिए देखिए प्रोसेस कितना टाइम लेता है दोनों में। तो देखिए यहाँ पे दोनों में 31 सेकंड लिया। इसीलिए अगर आप एसएसडी में ऑपरेटिंग सिस्टम रखते हैं, अगर कोई फाइल अगर आप हार्ड डिस्क वगैरह में लगते हैं सेकंड ड्राइव के हिसाब से, तो ये हार्ड डिस्क बराबर का टाइम लेता है। अगर आप वो फाइल एसएसडी में रखेंगे तो वो जल्दी हो जाएगा। और नेक्स्ट टेस्ट करने जा रहे हैं, अभी हम इसमें गेम ओपन करेंगे एस्पर्ट 8, तो वो देखेंगे किसमें जल्दी ओपन होता है। तो देखिए अभी एसएसडी में एक स्टेप आगे चला गया है और हार्ड डिस्क में अभी भी प्रोसेसिंग चल रहा है। तो देखिए यहाँ पे 21 सेकंड में एसएसडी में ओपन हो गया है और हार्ड डिस्क में अभी तक प्रोसेस चल रहा है। तो यहाँ पे हार्ड डिस्क में 45 सेकंड लिया उसको ओपन करने के लिए। तो यहाँ पे अगर आप आपका सिस्टम में एसएसडी लगाते हैं तो जो भी फाइल
एप्लीकेशन के थ्रू में आपको रन करना है, तो फाइल को भी आप एसएसडी में रखेंगे तो आपका सिस्टम जो है फास्ट ज़्यादा रहेगा। अगर आप सेकेंड ड्राइव के हिसाब से हार्ड डिस्क लगाए हैं और वहाँ से कुछ फाइल एक्सेस करके आप ऑपरेट कर रहे हैं, तो हार्ड डिस्क और एसएसडी का जो टाइम रहता है प्रोसेस का, वो बराबर सेम हो जाता है। तो अभी आपको पता चल गया होगा कि एसएसडी कितना फास्ट चलता है एक हार्ड डिस्क का कंपेयर। तो यहाँ पे मैं जो सैमसंग का 860 EVO का SSD लिया हूँ, तो उसका अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू का वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ। अगर वो वीडियो आप मिस कर दिए तो स्क्रीन में एक आई बटन आ रहा है, वहाँ पे क्लिक करके भी वो वीडियो आप देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, वहाँ से भी आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस टाइप का वीडियो मैं रोज लेकर आता हूँ। तब तक मेरा चैनल देखते रहिए साउथ टेक्नो गाइड, आपका दिन शुभ हो।